मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड पे पढ़ेंगे मैथ्स। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। यस, लेसन नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 9 में क्या है? शेप्स एंड पैटर्न। यस, शेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने शेप्स बनाई थी बुक में, उसके बाद फिर हमने ये शेप्स में कलर किया था, मैच किया था। ओके, उसके बाद फिर हमने आगे क्या किया था, कलर था कोबाइट, जो आपकी शेप्स थी उसमें कलर, इसमें कितने कौन कौन सी शेप है वो लिखा था हमने। उसके बाद फिर हमने आगे ये किए थे 9.A में, हमने ये लाइंस का किया था, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। समझाई थी मैंने आपको कि कर्व लाइन कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन कैसे होती है। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज 9B की थी, हाउ मैनी ऑफ ईच स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन के बारे में किया था। आपने ये होमवर्क अपनी कॉपी में, नोटबुक में किया है ना? यस, वेरी गुड। अब हम आज करेंगे एक्सरसाइज 9C, कंप्लीट दिस पैटर्न। अच्छे से देखिए इस पैटर्न को, पहले इस तरह से लाइंस बनी हुई है इस पैटर्न में, फिर ऐसे, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो उन्होंने बोला डू द नेक्स्ट टू, इसके आगे के टू नेक्स्ट पैटर्न बनाने। तो इसके बाद हम ऊपर लाइंस वाला पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से नीचे लाइंस वाला पैटर्न बनाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद बी में क्या है, ये देखिए ऐसे पैटर्न बने हुए हैं, आगे के नेक्स्ट टू पैटर्न हमको बनाने हैं। उसके बाद ये सी में क्या है, ये देखिए सर्कल्स बने हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट टू पैटर्न बनाने हैं। आप इसमें चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। ओके, उस तरह से। अब ये डी में देखिए सीधा आर, उल्टा आर, इस तरह से पैटर्न बने हुए हैं, आपको पैटर्न बनाने हैं। उसके बाद ये काइट्स हैं बनी हुई हैं, उसके बाद फिर ये देखिए एफ में ये फिगर्स बनी हुई हैं, इस तरह से आपको प्लांटिंग और स्टैंडिंग में फिगर्स बनानी है। नेक्स्ट टू जी में ये हार्ट शेप में 1, फिर 2, फिर 3 है, फिर 1 है, तो आपको 2 एंड 3 बनाने हैं इस तरह से। ये एच में डॉट्स हैं, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1, आप इसमें रेड कलर भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये लाइन बॉक्सेस का है, 3 2 3 2 3 2। उसके बाद ये देखिए स्टार शेप में शेप्स बनी हुई हैं, इस तरह से आपको ये नेक्स्ट टू बनानी है। ये आप अपनी बुक में करेंगे। ओके, यस। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, कलर टू सी द नंबर्स पैटर्न, द फर्स्ट वन बिगनिंग फॉर यू। ये देखिए ये लिखा हुआ 2 4 2 4 2 4 2 4। 2 में ग्रीन, फिर 4 में रेड, फिर 2 में ग्रीन, फिर 4 में रेड, फिर 2 में ग्रीन। अब आप यहाँ पे 4 में रेड, 2 में ग्रीन, 4 में रेड करेंगे और ऐसे नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद बी में क्या है, पहले 3 में आप करेंगे ग्रीन कलर, फिर 5 में रेड कलर, फिर 3 में ग्रीन कलर, फिर 5 में रेड कलर, फिर 3 में ग्रीन कलर, फिर 5 में रेड कलर, फिर 3 में ग्रीन कलर, फिर 5 में रेड कलर, और इस तरह से आप नीचे लिखेंगे 3 5 3 5 3 5 3 5। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 3 3 2 2 3 3। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 2 में ग्रीन, फिर 2 में ग्रीन, फिर 3 में रेड, फिर 3 में रेड, फिर 2 में ग्रीन, फिर 2 में ग्रीन, फिर 3 में रेड, फिर 3 में रेड। इसमें आप 2 2 एक सा करेंगे, ये ऊपर कलर बने हुए और आप यहाँ नीचे लिखेंगे आपने कितने ब्लॉक्स में कलर किया है। इस तरह से ये डी में आ जाइए, 1 में ग्रीन, 3 में रेड, फिर 3 में रेड, फिर 1 में ग्रीन, फिर 3 में रेड, फिर 3 में रेड, फिर 1 में ग्रीन, फिर 3 में रेड। ठीक है, 1 में ग्रीन करेंगे, फिर 3 3 रेड करेंगे, फिर 1 ग्रीन करेंगे, फिर 3 3 रेड करेंगे, फिर 1 ग्रीन करेंगे, फिर 3 रेड करेंगे और इसके नीचे आप लिखेंगे। यस, नेक्स्ट आ जाइए रोज एंड कॉलम्स। रोज होती हैं जो सीधी रो, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, और कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स इस तरह से क्रॉस में बने हुए होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि दिस बॉक्स शो कॉलम्स, इसमें जो है आपको क्या शो हो रहा है, रोज शो हो रही, इसमें कॉलम बन गए अब 4।
इस तरह से जो बनता है उसको बोलते हैं कॉलम, और इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं रो। कलर द कॉलम्स, कॉलम्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ, तो आपको कॉलम्स में कलर करना है, ऐसे एक सा कलर करना है इन दो में। थ्री थ्री कॉलम्स हैं, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, कितने कॉलम्स हैं, 6, या 6 कॉलम, इस तरह से सेम कलर करेंगे आप। लेकिन इसमें रो में कलर करना, तो आपको इस तरह से सेम कलर करना, जैसे इसमें पिंक इसमें ब्लू, टू कॉलम्स लिखेंगे, फिर इस सब में पिंक, फिर इसमें ब्लू, फिर इसमें पिंक, यहाँ पे आप कितने कॉलम्स लिखेंगे, 3। इस तरह से आपको ये रो का कॉलम कंप्लीट करना है, पिंक ब्लू रेड पिंक ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कलर करके इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब इसके बाद है कंप्लीट बाय लुकिंग एट द पैटर्न अबव। अब ये देखिए, ऊपर देखिए रेड ब्लू ग्रीन है, उसके बाद फिर रेड ब्लू ग्रीन, आपको ये जो कलर आप इसमें कर रहे हैं इसके नेक्स्ट कलर आपको यहाँ पे लिखने हैं। रो 4 इज द सेम एज रो, जो ये रो 4 है ये किस रो के साथ सेम होगी आप बताएंगे, किसके साथ होगी, फर्स्ट के साथ सेम हो जाएगी। रो 5 इज द सेम एज रो, और जो ये 5 रो है किसके साथ, 2 के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पे ये लिखेंगे। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है ये चैप्टर चेकअप, ये आपको होमवर्क में करना है। ये देखिए मैच करना है कोन के साथ कोन, क्यूबोर्ड के साथ क्यूबोर्ड, क्यूब के साथ क्यूब, स्पायर के साथ स्पायर, एंड सिलेंडर के साथ सिलेंडर, मैच करना है। नाउ कलर द शेप दैट कैन ओनली रोल इन रेड, रोल यानी जो गोल है उसमें रेड कलर करें। दैट कैन ओनली स्लाइड्स इन ब्लू, स्लाइड्स वाले में आप ब्लू करेंगे। दैट कैन रोल एंड स्लाइड्स जो है इसमें आप दोनों में येलो कलर करेंगे। ओके, हाउ मैनी ऑफ ईच डू यू सी, इनमें आपको कौन सी लाइन कितनी दिख रही है आपको वो लिखनी है। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन्स कितनी है, स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। अब आप इनके डॉट्स कंप्लीट करेंगे, और इन डॉट्स कंप्लीट, जैसे इसको स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से किसको कौन सी लाइन से कंप्लीट करना है। कंप्लीट द पैटर्न, इस तरह से आप पैटर्न कंप्लीट करना, जैसे ये बना हुआ है फिर यही बनेगा, फिर आगे मतलब आगे 2-2 आपको बनाने हैं, जैसे 1 के बाद 2 वाला बनेगा फिर 3 वाला। इसमें अब 5 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, 3 हैं, अब कितनी आएंगी दोबारा, 5 आएंगी और 4 डॉट्स आएंगी। ओके, समझ में आ गया आपको ये कैसे करना है। अब ये देखिए आप, मैच द सेम आंसर्स, 43 में से 20 माइनस होंगे तो क्या होगा, 23, और 13 + 10, तो आपको इनको मैच करना है। ये आपका होमवर्क है, चैप्टर चेकअप आपको किस में करना है, होमवर्क में, ये आप होमवर्क में करेंगे। और बाकी आपको जो ये एक्सरसाइज 9C है ये आपको पूरी बुक में करनी है, अच्छे से पिक्चर्स बना के आप कलर करना चाहे कलर कर सकते हैं। इसमें अच्छे से आप इनमें कलर करेंगे पैटर्न्स में, और इसमें आपको कॉलम्स में कलर करना है, इनमें आपको रो में कलर करना है, और उसके बाद इनमें कलर करके आपको नीचे इनको अच्छे से फिल करना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से बिल्कुल बात करो, मुझे वीडियो कॉल करो, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।